खबर उत्तर प्रदेश कानपुर से। सपा विधायक इरफान सोलंकी की आज कानपुर कोर्ट में पेशी हुई। आज कानपुर कोर्ट में कुल चार मामलों में हुई सुनवाई, जबकि एक केस में चार्ज बना। 11 में सुनवाई हुई। आगजनी वाले मामले में फॉरेंसिक फील्ड यूनिट के डॉक्टर परवीन के खिलाफ NBW जारी किया गया है। इरफान सोलंकी के वकील करीम सिद्दीकी के मुताबिक ACM 3 में 3 केस पर सुनवाई हुई। पत्रकारों के सवाल के जवाब में विधायक इरफान सोलंकी ने लोगों को इशारा करके जवाब दिया, जबकि मुख्यमंत्री के जन्मदिन पर बोले कि आज मेरा भी जन्मदिन है। मुख्यमंत्री को बधाई के सवाल पर उन्होंने कहा सभी को बधाई। इसके बाद पुलिस उन्हें कानपुर कचहरी से महाराजगंज जेल के लिए लेकर रवाना हो गई। आज एक केस में चार्ज बना है ACMM 3 में, क्राइम नंबर 212/22। एक में 313 हुआ है क्राइम नंबर 10/17 ACMM 3 में। ADJ 11 जहां पर क्राइम नंबर 127/22 ट्रायल चल रहा है, जिसमें 11 गवाह हो चुके हैं। फील्ड यूनिट जो फॉरेंसिक साइंस के हैं उनको समन गया था, लेकिन वो आज नहीं आए, तो कोर्ट ने आज नॉन अवेलेबल वारंट इशू कर दिया है एंड फिक्स टुमारो फॉर रेस्ट ऑफ एविडेंस। एक एप्लीकेशन दी गई है आज इरफान की ओर से कि उसको पर्सनली यहाँ पर पेशी में तलब किया जाए, जिससे हम लोगों को बात करने में आसानी रहे। ड्यूरिंग द क्रॉस एग्जामिनेशन कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत कुछ इमीडिएट पूछना पड़ जाता है, जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मुमकिन नहीं होता है। तो कोर्ट ने कल की तारीख डाल दी है, और फील्ड के यूनिट के जो डॉक्टर प्रवीण हैं उनके खिलाफ नॉन अवेलेबल वारंट इशू कर दिया। ये आगजनी मामले में है? हाँ, आगजनी मामले में। और आगजनी के अलावा और भी कई मामलों में सुनवाई थी? हाँ, मैंने बताया ना, आज ACMM 3 में 3 केस लगे थे, क्राइम नंबर 212/22। ये लॉकडाउन के समय का मामला था, उसमें चार्ज फ्रेम हो गया है। एक पुराना मामला था 2017 का, उसमें 313 एग्जामिनेशन ऑफ एक्यूज्ड उसमें हो चुका है। एक और लगा था जिसके वादी नसीम आरिफ हैं, उन्होंने भी अपने प्लॉट पे कब्जा करने का केस लगाया था 152/22। उसमें आज हम लोगों ने एप्लीकेशन दी है कि हमको आर्गूमेंट करना है डिस्चार्ज पे। क्या गैंगस्टर मामले में भी आज कोई सुनवाई हुई? नहीं, कुछ नहीं। अभी चार सीट कोर्ट तक नहीं पहुंची है, अभी कॉग्निजेंस नहीं हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ हब भारत।